carry on with our proceedings. And I invite Professor Ashutosh ji, Dr. Ashutosh Angiras ji. I respect him a lot on two grounds. First is his continuous endeavor to engage with new thoughts and continuous intellectual development. And second is he is very open-minded, and he is epitome of our cultural inheritance, I would say, because he always associate the continuity and changes. He has a very diverse and above all, he's a scholar of Sanskrit and presently head department of Sanskrit in SD College Ambala. Thank you, sir. Thank you. So he has published a lot. He has done so much research about the Indian cultural trend. That's why I feel privileged to be inviting him for the talk. So now I hand over the proceedings to Dr. Ashutosh Angiras ji. Please carry on, sir. Sir, should I start with my presentation or should we have the other scholars first? No, sir. This first technical session, you are the resource person. First, we invite some other scholars. So we have very good scholars with us. We have Professor Dinesh Chahal from Central University of Mahendragarh, Haryana. We have with us Dr. Jagdish Prasad, Assistant Director, Haryana History and Culture. So you first take your time, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Dhanyavad, Dr. Dhillon Sahab. माननीय प्राचार्य प्रमोद वाजपेयी जी, और बहुत कम ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जिनकी ज्ञान में रुचि होती है, खुद पढ़ते भी हैं और दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं, और उनके साथ इस तरह के ज्ञान का संबंध मुझे हमेशा ही उत्साहित करता रहा है। और ढिल्लों साहब एक बड़े सीरियस किस्म के स्कॉलर हैं, और अगर आपने कभी उनके आर्टिकल्स पढ़े हों और उनके कार्य करने का तरीका अगर आपने देखा हो आर्टिकल्स लिखने का, तो उसमें एक सिंसियर एफर्ट्स आपको दिखाई देंगी, स्कॉलरली एफर्ट्स दिखाई देंगी, और वो अपने पेपर्स को भी आते हैं और जो है प्रभावित भी करते हैं। तो निश्चित रूप से उनके साथ मित्रता ज्ञान के स्तर पे एक बहुत बेहतरीन मित्रता है, और मैं उनका सम्मान भी करता हूँ। और सर प्लीज नहीं नहीं निश्चित रूप से मुझे ये स्वीकार करके ही, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है कि दूसरे के गुण को स्वीकार करना, और फिर जो है आगे की बात हम शुरू करें। तो चलिए, पहले दो वक्ताओं को आपने सुन लिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि उनके सम्मान में मैं दो तीन पंक्तियों की एक कहानी सुना देता हूँ और फिर अपनी बात के ऊपर आता हूँ। तब तक इस स्क्रीन के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप देखिए, और मेरा विषय जो है डीकॉलोनाइजिंग सोशल साइंसेस टू रिविजिट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन, औपनिवेशिक मुक्ति के लिए जो है वो भारतीय, उसको समाज विज्ञानों के औपनिवेशिक मुक्ति उनकी की जाए, ताकि हम भारतीय संस्कृति और परंपरा को पुनः उसका अवलोकन कर सकें। लेकिन पहले दो तीन पंक्तियों की कहानी, और दोनों जो सम्मानित वक्ता है, कि एक बार इंडिया जो है वो उसके मन में ये विचार आया कि मुझे जो है ये कम्युनिस्ट लिबरल और सेकुलर इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी और इस तरह के शब्दों के विचारों के जंगल में मुझे जाना चाहिए खोजबीन करने के लिए, अपनी एक्साइटमेंट के लिए। उसके लिए वो भारत की दुकान पे गया और वहां उसने उनसे कंपास मांगी भारत से, और भारत ने उसे कंपास दी। इंडिया ने उस कंपास को देखा, दिशा सूचक यंत्र जिसे आप कहते हैं, और देख करके उसने कहा ये तो ठीक है, लेकिन ये बीच में एक शीशा लगा हुआ है, ये किस लिए है? तो भारत ने इंडिया को ये कहा कि ये दिशा सूचक यंत्र, ये जो कंपास है, ये तो तुम्हें ये बताएगा कि जाना किस दिशा में है, लेकिन ये शीशा इसलिए है ताकि ये याद दिलाता रहे कि भटक कौन गया है। तो मुझे लगा कि दोनों विद्वानों के
सम्मान में ये एक नरेटिव जो है बड़ा जरूरी है, और दूसरी एक अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति जिसे जो भी आप समझ रहे हैं इन शब्दों से, जैसा भी आपका परिचय हो, उसको मैं एक पंक्ति में परिभाषित करता हूं और फिर अपनी बात को लूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब मैं अपनी प्रस्तुति दूं तो आप लोग मेरे से बिल्कुल सहमत ना हों, क्योंकि मजा तभी आएगा जब आप असहमत हों मेरी इस प्रस्तुति से और चुनौती दें उसको, जो कुछ मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा लगभग अगले आधे घंटे में। दूसरी कथा एक पंक्ति की है कि गर्मी का समय था और किसान हल जोत रहा था और वहां बुद्ध पहुंच गए भिक्षा मांगते हुए और उन्होंने अपना हाथ आगे फैला दिया। किसान ने कहा कि तपती गर्मी में किसानी करते हुए कि भाई तुम हट्टे कट्टे आदमी हो, तुम भीख मांगते शर्म नहीं आती है, अच्छा नहीं लगता तुम्हें कि तुम भी कुछ करो। तो बुद्ध का वो उत्तर मेरी संस्कृति को परिभाषित करता है। तो बुद्ध ने ये कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह किसान हूं, क्यों? क्योंकि मैं चेतना की धरती पर बुद्धि के हल से ज्ञान की कृषि करता हूं। ये एसेंस है मेरी संस्कृति का, जिस संस्कृति को पर मैं गर्व भी करता हूं, जिससे मैं अपने आप को परंपरागत रूप से संबंधित भी मानता हूं और जिसको मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूं, अपनी संतानों को, अपने छात्रों को और अपने आसपास के लोगों को देना चाहता हूं। लेकिन पंक्ति मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूं ताकि इसको आप भी ध्यान रखें और हो सकता है भविष्य में आपका दिशा निर्धारण ये पंक्ति कर सके। बुद्ध का ये वचन है कि चेतना की धरती पर बुद्धि के हल से ज्ञान की कृषि करता हूं। चलिए अब आते हैं कि जब हम भारतीय संस्कृति की पुनरावलोकन की बात करते हैं तो उसके दो पक्ष हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रख लीजिए और वाई एक्सिस पे आप जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, इसको रख लीजिए। और क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, मार्केट इकोनॉमी, ये मोटे तौर पे दो ही चीजों से चल रही हैं, जिसको हम वॉर और हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इंडस्ट्री और वॉर के बीच में ही सारी की सारी डेवलपमेंट है, क्योंकि बिजनेस चलेगा वहीं से। तो इसके बीच में आज हम भारतीय संस्कृति और परंपरा के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करेगी। तो मुश्किल पैदा करने के लिए ये चीज जरूरी है कि हम पहले भारतीय संस्कृति पे आक्षेप लगाए ही लेते हैं, जो आपको सामान्य रूप से सोशल साइंसेस में पढ़ाए भी जाते हैं और सामान्य नैरेटिव में इसका चर्चा भी होती है, डिस्कोर्स में यही बातें होती हैं, इससे बाहर तो कभी उन्होंने कुछ ढूंढा भी नहीं। ऐसे आप पढ़ते जाइए साथ में, तो मैं बहुत ब्रीफ में सारी बात को खत्म भी करना चाहता हूं ताकि उसके ऊपर फिर आप अगर मेरे से असहमति अपनी जताना चाहें तो उसका मैं स्वागत कर सकूं और सम्मान कर सकूं। देखिए, पांच आक्षेप आप सुनते हैं, चाहे वो आप जेएनयू से सुने, चाहे हैदराबाद से सुने, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी से, या हमारे जो इंटेलेक्चुअल क्लास है। एक तो चरित्रगत करेक्टर के ऊपर हमारे आक्षेप लगता है, दूसरा फेमिनिन मूवमेंट वाले जो हैं, फेमिनिस्ट हैं, वो लगाते हैं स्त्रियों के, स्त्रियों पे अत्याचार ही कर दिए सारे भारतीयों ने, आज तक अत्याचार ही होते रहे, चरित्र में हमारे पर आक्षेप है कि बिल्कुल लचर ही होते थे। फिर तीसरा जातिगत, इससे ज्यादा वो कभी सोचा ही नहीं कि जाति का अर्थ कास्ट कैसे किया और कास्ट का अर्थ जाति कैसे किया, आई डोंट वंडर। पाखंडवादी कि भाई ये सारे पाखंडी था, कि भाई एक पंडित अगर आपको थाली में नौ ग्रह लगा करके दे रहा है और उसके साथ उसके सारा जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वो आपको समझा रहा है, लेकिन वो पाखंडवादी है। ब्राह्मणवादी आक्षेप है कि ब्राह्मण ने सारी सत्ता हथिया ली, और ये यही पांच है, इसके अलावा कोई छह हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मेरा ज्ञान बढ़ा सकते हैं। और दूसरी तरफ हम सारे के सारे इस सिस्टम को जो आप इधर स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं यहां से पेन भी ले लेता हूं अगर मुझे अवेलेबल है तो। एनीवे, तो जनरल बिलीफ ऑफ सोशल साइंसेस और साइंटिस्ट अबाउट इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन इज दैट आईसीटी माइंडसेट हैज फेल्ड इन ऑब्जर्वेशन। सेकंड इज आईसीटी फॉलोड नो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। थर्ड इज आईसीटी इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन इज इम्प्रैक्टिकल। इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन इज डोमिनेटेड बाय आज पढ़ा, और पर्टिकुलरली एनसीईआरटी का, उसमें मैंने देखा कि सजेस्टिव हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है और इस तरह से कैसे हम ब्रेन वॉश करते हैं
और ये मतलब उसको आप चुनौती भी देते हैं, तो आपके साथ उस विषय पे मैं कभी भी बात करूंगा कि किस तरह से सजेस्टिव हिस्ट्री से हम लोगों ने अपनी स्वनिंदा जो है वो सेल्फ एस्टीम को कैसे हमने लोअर किया है और हम हल्की फुल्की बातों से काम चलाने की कोशिश करते हैं। चलिए आपको मैं पहले साक्षात्कार कराता हूं कि हमारी परंपरा किस चीज पे आधारित है। हमारी परंपरा या हमारी संस्कृति जो है वो सबसे पहले प्रश्न करना सिखाती है। वो मुझे पता नहीं आप लोग सोशल साइंसेस में ये चार तरह के प्रश्न सिखाते हैं कि नहीं सिखाते, अपने स्टूडेंट को पढ़ाने से पहले उनको प्रश्न करना सिखाते हैं या नहीं सिखाते, तो जल्दी से आप ये प्रश्न देख लीजिए ताकि हम अग्रसर हों। एकांश व्याकरणी प्रश्न है। एकांश व्याकरणी प्रश्न का मतलब होता है जिनका उत्तर आप हाँ या ना में देते हैं, ठीक है। और जैसे कि हम यहाँ प्रश्न ले लें, क्या भारतीय संस्कृति और परंपरा पर बातचीत होनी चाहिए, तो आप उत्तर हाँ या ना में दे सकते हैं। दूसरी तरह की संस्कृति ने मुझे जो प्रश्न करना सिखाया वो था प्रतिपृच्छा व्याकरणीय। ये संस्कृत के नाम है जिनके हम कहते हैं कि केवल जो है वो पिछड़ी हुई भाषा है, बड़ी अच्छी बात है। तो चलिए, हो सकता है आप लोगों के पास चार तरह के ये प्रश्न हो। तो प्रतिपृच्छा व्याकरणी क्या होते हैं, जिसमें काउंटर क्वेश्चन किया जाता है। ये मैं चुभन वाली बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस तरह की चीजों को बहुत देखा है, और जब तक हम नहीं काउंटर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हम जितनी टाइम मनी एनर्जी यहाँ लगा रहे हैं वो सफल होगी। तो इसलिए थोड़ा सा जो है चुभन देनी और लेनी दोनों ही बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आप अगर सवाल करते हैं कि क्या भारतीय संस्कृति परंपरा अंधविश्वास पर आधारित है, तो काउंटर क्वेश्चन आप करेंगे, आपने भारतीय संस्कृति परंपरा का अध्ययन किया है। और तीसरी तरह के सवाल होते हैं स्थापनीय प्रश्न, जो इररिलेवेंट क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं, कि क्या भारतीय संस्कृति और परंपरा प्रपंच मात्र अनर्थक है। चौथी जो प्रश्न परंपरा है, प्रश्न करना सिखाया जाता है, ट्रेन किया जाता है, पूरा एक व्यवस्था है, उसको कहते हैं विभज्य व्याकरणीय, जिसमें यह है कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रारूप एवं सार क्या और कैसा है। ये एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसका उत्तर आपको बहुत व्यापक रूप से, तर्कसंगत रूप से, शास्त्र युक्ति और अनुभव के आधार पर देना होता है, और यही मैं करने जा रहा हूं। लेकिन फिर आगे चलने से पहले एक बार फिर हम कुछ एक सवाल ले लेते हैं। एज एन इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट एंड एज ए संस्कृतिस्ट, हाउ डू यू आंसर द फॉलोइंग, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डू वी वॉन्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इंडियन कल्चर, we are revisiting Indian culture and tradition. Second question is, नीचे संस्कृत में लिखा है, मैं उसमें समय नहीं लगा रहा, what do we want to sustain, for whom and for how long? ये मुझे लगता है इस सेमिनार का फंडामेंटल सवाल ये है। और तीसरा सवाल है, what does our thinking have to do with our current reality and our ability to achieve? And चौथा मेरा सवाल जो है, जो कि मैंने परंपरा से ही सीखा है, what does our education have to do with our thinking? हमारी सोच और हमारी शिक्षा का संबंध क्या है। चलिए, इस सारे दृष्टिकोण से पहले हम भारतीय संस्कृति और परंपरा से जो भी आप समझते हो, मैं अभी उसकी व्याख्या में नहीं जा रहा। संस्कृति शब्द और परंपरा दो जुड़े हुए शब्द हैं, लेकिन उसमें शास्त्र की भूमिका क्या है, क्योंकि जो जब भी बात होगी हम शास्त्र को जो है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं। शास्त्र की चर्चा करनी इसलिए अनिवार्य है, इसलिए जरूरी है, क्योंकि विचार जो है वो अनिवार्य तो हैं, लेकिन हमेशा विचार अपर्याप्त रह जाते हैं, सफिशिएंट नहीं होते। इसलिए शास्त्र जो है वो क्या करता है कि वो जो है वो निश्चित रूप से आपको ये सिखाता है, समझाता है कि एक ही विषय को सभी आयामों के साथ आपने कैसे देखना, समझना और प्रस्तुत करना है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं संस्कृत में कि ये सारी परिभाषाएं हैं, शास्त्र को डिफाइन करने की है कि जो व्यक्ति को प्रवृत्ति और निवृत्ति के लिए उपदेश करता है कि भाई इस आर्गुमेंट से तुम इस सब्जेक्ट को अप्रोच करो और ये आर्गुमेंट उसमें करने वाले नहीं है। तो मैं उसकी ज्यादा परिभाषाओं में नहीं जा रहा, लेकिन शास्त्र के महत्व को भी समझ लीजिए कि अनेक संशयों का उच्छेद करने वाला और जो परोक्ष जो सामने नहीं है उस अर्थ को भी जो दिखा देता है उसे हम शास्त्र कहते हैं। और वही सब का नेत्र होता है, जिसके पास ये शास्त्र नहीं है वो अंधे के समान है। तो ये शास्त्र का अर्थशास्त्र समझ लीजिए, राजनीति शास्त्र समझ लीजिए, शिक्षा शास्त्र समझ लीजिए, जो आपको ठीक लगता है। और इस शास्त्र को आप जानते कैसे हैं,
आगम काल, स्वाध्याय काल और प्रवचन और व्यवहार काल। ये भाषा मेरी थोड़ी सी आपको लग सकती है ओवर संस्कृताइज्ड, लेकिन संस्कृति की बात करनी है तो आप संस्कृत को छोड़ करके अगर आपको लगे कि भाई आप उसके बगैर बात कर सकते हैं तो मुश्किल होगी। आगम काल का मतलब होता है कि आप पहले शास्त्र को जानते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसका स्वाध्याय करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसको अपनी बुद्धि से समझते हैं, फिर उसके बारे में बातचीत करते हैं विद्वानों के साथ और फिर उसको प्रयोग में लाते हैं। तो लास्ट बात जो इसमें महत्वपूर्ण है वो कहता है कि एकम शास्त्रम अधीयानो न याति शास्त्र निर्णय, कि एक अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया, एक बुक पढ़ ली और समझा कि मैंने दुनिया भर के शास्त्रों का निर्णय कर लिया, विचारों का निर्णय कर लिया, तो इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं होगी। अगर पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने, अगर सोशियोलॉजिस्ट से बात नहीं की, सोशियोलॉजिस्ट ने इकोनॉमिक्स वाले से बात नहीं की, इकोनॉमिस्ट ने अगर इंग्लिश वाले से नहीं की, इंग्लिश वाले ने हिंदी से नहीं की, तो फिर जो हमारे निर्णय होंगे, जो हमारा दृष्टिकोण होगा, वो बड़ा संकुचित और कुंठित होगा। इसलिए तस्मात बहुश्रुता, इसलिए बहुत अधिक सुनने वाले और पढ़ने वालों बनो, तभी शास्त्र को पढ़ करके, विभिन्न शास्त्रों को पढ़कर आप निर्णायक हो सकते हैं। तो ये भारतीय संस्कृति का आधार है, ये बताती है। अब इस संस्कृति को और उपनिवेशी समाजवादी समाज विज्ञान, जब मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं तो दोनों के अंतर को भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखिए, ये इधर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, ये अहम अस्मि, ये एक संस्कृत का वाक्य है, बीच में पूरा का पूरा आ जाता है। ये इसलिए है कि संस्कृत की जो संस्कृति है वो इस प्रकार की है कि अहम से लेकर अस्मि के बीच में सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड, सारी दुनिया, हर तरह का जितना भी तत्व है, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी इसमें समाहित हो जाती हैं। इसलिए आपकी दृष्टि एक पूर्णता की दृष्टि होती है, ये है संस्कृत। संस्कृत उसे कहते हैं जिसमें संस्कार निष्ठ पूर्णता विद्यमान है। अब इसके नीचे अगर आप देखें एक्स एक्सिस पे, तो आपको अंग्रेजी में दिखाई देगा आई एम एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप पहले ही विभाजन कर लेते हैं कि आई एम समथिंग डिफरेंट एंड रेस्ट ऑफ द नेचर और रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज डिफरेंट। तो यहां पर ड्यूअलिटी पहले आती है और फिर उसके बाद आप आगे के ज्ञान की बात करते हैं। और भारतीय संस्कृति की भाषा कैसी है कि अहम और अस्मि के बीच में मैं सारे के सारे विश्व को समाहित कर लेता हूं। अब इसके थोड़े से और पक्ष को देखें कि जब मैं अंग्रेजी और सोशल साइंसेस के कॉलोनियल एस्पेक्ट के ऊपर बात करता हूं, तो वो कहां से डिफाइन होता है और वो कैसे परिभाषित होती है। जो आज हम सोशल साइंसेस पढ़ाते हैं उनको डिफाइन करने वाली दो बातें हैं। एक है ग्रीक वे। ग्रीक वे क्या है कि वहां पर अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपकी सारी की सारी जो सोशल साइंसेज हैं वो सारा का सारा जोर किस चीज पे है कि व्हाट यू हैव अचीव्ड, भाई कुछ बन के दिखा दो, कुछ करके दिखा दो, यही हम बोलते हैं। और हमें अनजाने में हमें पता ही नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं। सेकेंडली अगर आप देखें तो दूसरा जो उसका अंडर करंट है वो है अब्राहमिक वे। वो क्या है? डिसिप्लिन एंड कमांडमेंट्स। कि अब्राहमिक रिलीजियस में सबसे ज्यादा क्या है कि भाई इफ यू फॉलो माय कमांडमेंट्स, इफ यू फॉलो माय डिसिप्लिन, आई विल टेक यू द लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी। तो सारी की सारी सोशल साइंसेस आपको एक खास तरीके से कंडीशन करती हैं कि आपने इसी तरह से फॉलो करना है, इसी डिसिप्लिन को फॉलो करना है और इसी तरह से सोचना है। अब इसके बीच में आकर के और मिक्सअप क्या होता है, चार चीजें और मिक्सअप हो जाती हैं। एक डार्विन के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फ्रॉइड का जो है सेक्सुअलिटी, कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है, उसके जो सारे जो उसका इकोनॉमिक आइडियाज हैं, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस वगैरह, और कंपैशन ऑफ क्राइस्ट कि भाई लोगों पे दया भी तो करनी है। ये बड़ी चीजें सारी जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर के आप जिस सोशल साइंसेस को आज हम भारत में पढ़ा रहे हैं, भारतीयकरण करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये चार अंडरकरंट्स और मिल जाते हैं। लेकिन वेस्ट में इस सोशल साइंसेस ने क्या किया है, एक तो वर्ल्ड वॉर्स दी है आपको, और दूसरी तरफ आपको वो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और मार्केट दी है। और इस सारी सोशल साइंसेस को अगर आप समझना चाहें, और मैं ये बात बड़े गंभीरता से कह रहा हूं कि सारी सोशल साइंसेस सर्वाइवल के मोड से ऊपर नहीं उठी हैं, जिसमें हंगर और फियर, इन्हीं दो को संभालने में सारा का सारा जोर लग गया है। और इसी को मैं कहता हूं कि कॉलोनाइज सोशल साइंसेस। तो अगर आप इन
पांच छह चीजों के बाहर अगर कोई सोशल साइंसेस की थ्योरी पढ़ा रहे हो तो जरूर मुझे बताइएगा, और मैं भी देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ कि सोशल साइंसेस इससे बाहर सोचती हूँ। चलिए इसके साथ बड़ी जल्दी से एक भारतीय परंपरा को देख लें, भारतीय संस्कृति का क्या पर्सपेक्टिव है। उसका सारा का सारा जो वे है वो है पर्सपेक्टिव, दर्शन, देखना। संस्कृत आपको या भारतीय समाज विज्ञान जितने भी हैं जिनको हम कभी पढ़ाते नहीं हैं, जिनको ना इंक्लूड करते हैं, केवल निंदा के लिए प्रयोग करते हैं, तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक ही चीज है, वो है दर्शन, कि देखना कैसे है, वो जीवन हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, उसको देखना कैसे है। और उसके लिए आपको सीखना पड़ता है तीन बच्चों से। ये तीन बच्चे हैं, ये जो नाम आप देख रहे हैं, नाचिकेतस दृष्टि। उसका सबसे पहला देखने का प्रश्न आता है किम करणीयम प्रथम करणीयम, कि करना क्या है। उसने देखा, अपने पिता को अनुचित कार्य करते हुए देखा और उसके मन में सवाल आया कि करना क्या है। तो आपकी संस्कृति का पहला बीज ये है। सत्यकाम की दृष्टि है कि सत्य कथन की क्षमता की जैसा जो है वैसा कहना। और आप कभी भी अपने मीडिया से पूछ के देख लें, मास कम्युनिकेशन से पूछ के देख लें कि क्या वो वैसा सत्य कथन कर सकते हैं जैसा वो देखते या सुनते हैं। एनीवे, लेकिन सत्यकाम के गुरु ने जब उससे पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तो सत्यकाम ने अपनी माँ से जो सत्य सुना था उसे वैसा ही कहा, और उसके गुरु ने उसे स्वीकार किया कि क्योंकि तुम में सत्य बोलने की क्षमता है इसलिए मैं तुम्हें शिष्य बनाता हूं। और तीसरा जो दृष्टिकोण है, देखने की क्षमता आप में विकसित होती है संस्कृति में, वो होती है श्वेत केतु से। ये भी बच्चा है और ये पढ़ लिख करके आया सरकारी ठप्पा लगवा के अपनी पीएचडी का, और आते ही पिता ने उसको पूछ लिया, क्योंकि देखा कि ये पीएचडी इस पे सवार हो गई है, तो उसके पिता ने पूछा कि क्या तुमने वो जान लिया जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। और श्वेत केतु के हाथ से उसकी जो डिग्री थी वो गिर गई और उसने पिता के चरण स्पर्श किया कि नहीं, ऐसा तो मुझे कभी पढ़ाया नहीं गया। तो ये तीन बच्चे हमारी संस्कृति को परिभाषित करते हैं, न कि जातिवादी व्यवस्था, न वर्ण व्यवस्था, और ना उलट पुलट जो पता नहीं क्या पढ़ाते रहे हैं, आई डोंट नो। अब इस सारी की सारी संस्कृति के तीन पक्ष हैं, एक है कर्ता पक्ष, सॉरी, एक है कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता, जिसे आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, रफली ट्रांसलेशन है डूअर, इंजॉयर और नोअर। तो इस तरह से आप इसको देखिए। डॉक्टर साहब, मुझे जैसे ही आधा घंटा पूरा होता है रोक दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है मुझे यहाँ समय सीमा ना पता लगे, क्योंकि गूगल की ये अपनी एक क्षमता लिमिटेशन है। अब इस भाषा को थोड़ा सा और समझ लीजिएगा कि अंग्रेजी में जो आप सोशल साइंसेस पढ़ाते हैं और जो भारतीय संस्कृति की भाषा है उसमें मूलभूत अंतर क्या है। अंग्रेजी में क्या करते हैं आप, ट्री को ट्री ही कहते हैं, यानी कि एक वस्तु के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं। अब कार है तो कार के लिए आप कार वस्तु के लिए कार शब्द प्रयोग करते हैं। हिंदी ने क्योंकि अंग्रेजी को ज्यादा फॉलो कर लिया है इसलिए वो पेड़ जब कहती है तो पेड़ शब्द जो है वो पेड़ वस्तु के लिए है। लेकिन जब आप संस्कृत में शब्द प्रयोग करते हैं तो वो आप कभी भी वस्तु के लिए नहीं करते, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग। यहां सांस्कृतिक फर्क पड़ता है, जहां पर लोग नहीं बताते ना बात करते हैं, क्योंकि काम चलाऊ जो है वो स्कॉलरशिप से हम काम चला के जो है वो अपना समय यापन करते हैं। संस्कृत में दे ऑलवेज टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग, नेवर टॉक अबाउट द थिंग इन इटसेल्फ। जैसे वृक्ष शब्द है, अब वृक्ष शब्द का मतलब वस्तु नहीं है, समथिंग दैट इज कट एंड फेल डाउन, द प्रॉपर्टी विच ऑफ बींग कट एंड विच कैन बी फेल डाउन। या तरु शब्द आप प्रयोग करते हैं, समथिंग दैट फ्लोट्स। अब इससे आप जो समझेंगे उसकी क्रिया के आधार पे आप शब्द को समझेंगे, वस्तु को क्रिया के आधार पे समझेंगे। पादप का मतलब क्या है, समथिंग दैट ड्रिंक्स यूजिंग इट्स फीट। अब आप इसको कभी भी अंग्रेजी के साथ तुलनात्मक दृष्टि से खड़ा करें और फिर उसके बाद आप मुझे जो है मेरे से असहमति जताएं। ये चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे जो मैं कुछ कहने जा रहा हूं वो बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा। इसके साथ एक चीज और देखिए कि जब आप संस्कृत में शब्द प्रयोग करते हैं तो वो कभी भी वो हमेशा तीन जो है तीन तरह का ज्ञान आपको देते हैं, आइडिया, प्रॉपर्टीज एंड ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ। वो उसको भी रेफर करता है, जैसे गम धातु है, इट्स आइडिया ऑफ गोइंग, और गति जब उससे बनाते हैं तो प्रॉपर्टी ऑफ गोइंग इन पर्टिकुलर मैनर, और गति शब्द जो है वो पर्टिकुलर इंस्टांस ऑफ गोइंग भी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज, ये थ्री डायमेंशनल शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है, संस्कृति में प्रयोग होता है। चलिए
मैं बड़े जोर से बात ये कहना चाहता हूं कि व्हाट डीकोलोनाइजिंग मीन एंड हाउ। देखिए, सबसे पहला जो मेरे लिए नॉलेज मैनेजमेंट गुरु रहा है, मुझे कभी वेस्ट को पढ़ने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं लगी कि मैं वहां से नॉलेज मैनेजमेंट सीखूं। मेरे लिए तो वेद व्यास हैं जिन्होंने 2672 करेक्टर्स को एक महाभारत में इस तरह से पिरोया कि ना तो वहां कहीं ओवरलैपिंग हुई, ना आपस में कहीं पर कोई कंट्रास्ट आया, ना कहीं अस्पष्टता आई। लेकिन मैं उस वेद व्यास से नहीं कभी भी नॉलेज मैनेजमेंट सीखूंगा या नॉलेज का कोई सबक सीखूंगा। मुझे तो जब तक कि वहां से कोई कीन्स नहीं बताएगा, कोई एडम स्मिथ नहीं बताएगा या और सोशल साइंटिस्ट नहीं मुझे बताएंगे, तो मैं तो सीख ही नहीं सकता। लेकिन मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूं कि मैंने वेद व्यास से ही सीखा और वेद व्यास के आधार पे ही ये जो प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। अब जितनी भी मैं बात आपके सामने रखूंगा, उसकी रेलेवेंसी होना, उसकी यूटिलिटी होना और उसकी एप्लीकेशन होना, इन तीन बातों को मैं ध्यान में रखूंगा। और इसके लिए भारतीय संस्कृति को मैं चार शब्दों से परिभाषित करता हूं। मैं इस तरह के बोगस शब्दावली से कभी भी सहमत नहीं हूं, ये जाति वाती जो चार पांच शब्द आप सीख कर आते हैं। यज्ञ शब्द का मतलब होता है, यज्ञ का मतलब आग जलाना, तो पता नहीं जितने जो समझते होंगे, लेकिन यज्ञ का दो अर्थ हैं। एक है कल्चर ऑफ पार्टिसिपेशन। आप यज्ञ कभी अकेले नहीं कर सकते, आपको पूरी फैमिली साथ में जोड़नी पड़ेगी, आपको अपने अड़ोसी पड़ोसी और समाज को जोड़ना पड़ता है। और यज्ञ आप कर तभी सकते हैं जब आपने अर्जन किया हो, जब आपने कुछ कमाया हो और फिर उसको वितरण किया हो। तो टोटल सोशल इकोनॉमी का ये आपका यज्ञ जो है वो शब्द सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है। तो यज्ञ से कॉन्सेप्ट विच मीन्स कल्चर ऑफ पार्टिसिपेशन, और आप अर्जन करेंगे और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का ये सिस्टम है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए वेद। वेद का आप पुस्तक ही पढ़ते आएंगे, पढ़ाया होगा, क्योंकि वो आसान है, क्योंकि उससे निंदा करना आसान हो जाएगा, यज्ञ को पाखंड कहना आसान हो जाएगा। कल्चर ऑफ नॉलेज एंड नोइंग, वेद का मतलब है जानो। वो डायरेक्टली आपको ये कह रहा है, वेद क्रिया शब्द है, आप उसको संज्ञा में पढ़ाते हैं नाउन के तौर पे, जबकि वेद क्रिया शब्द है। क्या कहता है कि कल्चर ऑफ नॉलेज क्या है और नोइंग क्या है, तो ये आदेश है। डॉक्टर साहब, आप समय का अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा, हो सकता है कि समय मुझे ना पता लगे। तीसरा शब्द है योग। योग का मतलब, हालांकि बाबा रामदेव ने आपको एक्सरसाइजेस बता दिया, लेकिन जरूरी था, बट योग का मतलब होता है कि जो आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया उसको प्राप्त करना, टू गार्नर व्हाट हैज नॉट बीन गार्नेटेड, कि जिसको आपने अचीव नहीं किया उसको अचीव कर लिया। और चौथा शब्द है मेरी संस्कृति का, जिसके ऊपर मैं गर्व भी है, वो है पुराण। पुराण का मतलब होता है कल्चर ऑफ रिविजन एंड रिव्यूइंग, ये है पुराण। पुराण का मतलब कहानियां नहीं है, उन कहानियों पे भी मैं बात करूंगा। अब जब मैं वेस्टर्न इसकी बात करता हूँ, कॉलोनाइज्ड सोशल साइंसेस की, तो आप देखिए कि शब्दों का प्रयोग देखिए क्या करते हैं। इंडिया और भारत के आपको लगता है कि दो एक ही शब्द हैं। इंडिया जो है वो मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इंडिया अंग्रेजों के लिए, वेस्टर्न्स के लिए एक मंडी रहा है। लेकिन भारत तो आपकी पूरी परंपरा, कितने 6,000-10,000 साल की पुरानी परंपरा है, और प्रकाश में रुचि लेने वाले लोगों की है। इंडिया से कोई आप ऐसा अर्थ मुझे करके जरूर बताइए, लेकिन इंडिया भारत आप करते जा रहे हैं, और हमारे संविधान में भी इंडिया दैट इज भारत कर दिया, जबकि इंडिया भारत और दो अलग अलग चीजें हैं। आप फ्रीडम का अर्थ स्वतंत्रता करते हैं, कैसे करते हैं? फ्रीडम को आप परिभाषित कर लीजिए, लेकिन स्वतंत्रता मैं आपको बता देता हूं कि वो इसका बिल्कुल भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वतंत्र का मतलब होता है मेरा अपना सिस्टम, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, राजतंत्र, जो भी आप शब्द यहाँ पे भी प्रयोग करेंगे, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। तो इसका मतलब है कि मेरा अपना सिस्टम, दैट इज स्वतंत्र, नॉट फ्रीडम। जिस अर्थ में पढ़ाते हैं कि नाक पे कहीं छड़ी ना लग जाए, वहां तक फ्रीडम। ओके, अब आप एक शब्द और प्रयोग करते हैं, वुमेन। भाई मुझे आप एक बात बता दीजिए, कभी आपने ये कभी ढूंढा कि आपकी संस्कृति में शब्द कितने प्रयोग होते हैं वुमेन के लिए? 342 शब्द प्रयोग होते हैं, और एक भी शब्द वुमेन के इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं अपनी संस्कृति को, लेकिन दावा करते हैं कि ओहो ये कर दिया। वुमेन जो है विच कम्स आफ्टर द मैन, क्योंकि वो कहाँ से पैदा हुई है? एडम की पसली से पैदा हुई है, दाई पसली से पैदा हुई है, इसलिए वो वुमेन है, एंड दैट इज फॉर द प्लेयर ऑफ मैन। है या नहीं है आप देखिए,
अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर आप करेक्ट कीजिए, लेकिन कहीं पर भी स्त्री शब्द इस अर्थ में नहीं है। स्त्री का मतलब क्रिएटिव प्रिंसिपल, नारी का मतलब जो है नरी तत्व से बनी है, जहां नर और मनुष्य एक साथ दो अलग अलग हो जाते हैं। और आप इस तरह से 342 शब्द होगा मौका तो वो भी दिखा दूंगा। किंग का अर्थ राजा पढ़ा देते हैं कैसे। राजा इज अकाउंटेबल टू प्रजा। राजा की प्रथम परिभाषा ये है कि जो अपनी प्रजा को सुखी रखता है, प्रजा का रंजन करता है। लेकिन किंग तो एब्सोल्यूट मोनार्क है, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू प्रजा पीपल। रिलीजन धर्म आप कैसे कर देते हैं, मैं नहीं समझता। रिलीजन का धर्म अर्थ, धर्म का अर्थ मैं बता देता हूं, क्योंकि रिलीजन तो आपने बहुत बार कर लिया होगा कि 10 लक्षण हैं धर्म के, और मुझे उसमें बताइए कि ईश्वर कहाँ आता है, कहीं गॉड शब्द नहीं आता। धृति क्षमा दम अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण है। इसमें मुझे ना तो ईश्वर से कोई लेना देना है ना किसी और चीज से लेना है, लेकिन मैंने रिलीजन का अर्थ धर्म करके पढ़ा दिया। किस लिए पढ़ा दिया? और कास्ट का अर्थ जाति कैसे कर दिया? कास्ट का शब्द आप जानते हैं पुर्तगीज शब्द है, और कैसे वहां बनता है वो पैसों के आधार पे है, इकोनॉमिक फैक्टर उसमें कास्ट में काम करता है। और जाति शब्द जो है, अब पशु जाति को जाति कह लीजिए ना कास्ट कह लीजिए, जाति का मतलब होता है सामान्य प्रसवात्मिका। तो मनुष्य जाति, मनुष्य जाति है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए नहीं आता, लेकिन हमने वो ठोक दिया कि नहीं नहीं देखो कास्ट में होता है। तो कास्ट का अर्थ जाति नहीं होता, और ना जाति का अर्थ कास्ट हो सकता है। और राइट शब्द एक जो सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स और पता नहीं कितने जो फंडामेंटल राइट्स हम गिना देते हैं, उसका भी पर्यायवाची अधिकार नहीं है। ये ऑथराइजेशन के इक्विवेलेंट तो हो सकता है, अधिकार शब्द ऑथराइज्ड है कि जैसे मुझे ऑथराइज किया गया है कॉलेज की ओर से पढ़ाने के लिए, मुझे सेमिनार में बोलने के लिए ऑथराइज किया गया है, इट इज नॉट माई राइट। ये इस अर्थ में नहीं है, कभी भी अधिकार शब्द प्रयोग ही नहीं होता। और वेस्टर्न टर्म्स के बाद आप अरेबिक टर्म्स में भी मैं एक बार बात कर लेता हूँ, दो शब्द ही लेता हूँ। औरत शब्द को आप में से कितने लोग जानते हैं, क्या अर्थ होता है औरत का? आपको शायद नहीं पता होगा, औरत शब्द को प्रयोग किया गया है, अरेबिक टर्म है, और इसको जो है वो जो ये मौलवियों के द्वारा वो फतवा जारी किया जाता है उसमें इस शब्द का प्रयोग हुआ था, तो मेरा ध्यान इस ओर गया। और वो भी किस लिए हुआ था कि जो टेनिस प्लेयर थी मलेशिया की, उसके लिए ये प्रयोग किया था, उसके अगेंस्ट जब फतवा दिया गया था कि वो खेलते हुए अपनी औरत नहीं दिखा सकती, यानी कि जितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको औरत कहते हैं। तो अगली बार आप जब शब्द प्रयोग करें औरत, तो पहले ध्यान रखिएगा। दूसरा एक शब्द और बड़ा हम कॉम आपने अर्जित किया है, जो आपका अपना है, उसको जब आप दान में दे देते हैं, यानी कि आप अपना अधिकार छोड़ के दूसरे का अधिकार दे देते हैं, दूसरे का अधिकार स्थापित करते हैं, वो बलिदान है। तो उस अर्थ में आप शहीद कभी हो ही नहीं सकते। चलिए अब सवाल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं डिफाइन करता हूं कि भाई मैं जिस संस्कृति की बात कर रहा था। डॉक्टर साहब अगले 15 मिनट के अंदर अंदर मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश कर रहा हूं। इकोनॉमिस्ट प्लस इकोनॉमिक्स, उसको आप इस तरह से ब्रैकेट में ले लीजिए, 1 लिविंग अर्थ डिवाइडेड बाय 7.5 बिलियन पीपल इज इक्वल टू इकोनॉमी। ये रिलेशनशिप है सोशल साइंसेस का, ठीक है ना। सोशल साइंटिस्ट प्लस इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स कर लीजिए, जैसे आपका दिल करता है, जो आपको ठीक लगे। 7.5 बिलियन पीपल डिवाइडेड बाय 1 लिविंग अर्थ, जो कि हमारे पास आधी रह गई है, और उससे जो इकोनॉमी बन रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इकोनॉमी वेलबींग ला रही है या नहीं ला रही। और वेलबींग के लिए 3 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, और उस पर अगर चर्चा हो सकेगी तो जरूर करेंगे, कि क्या वर्तमान कालिक आर्थिक चिंतन मनुष्य को भविष्य के प्रति आश्वस्त करने में समर्थ हुआ है, या हमें कोई दूसरा ग्रह चुनना होगा, जैसे कि हमने चंद्रमा पे प्लॉट काट दिए हैं, क्योंकि अब ये धरती रहने लायक नहीं बचेगी 2050 तक, क्योंकि न तब तक पानी बचेगा और ना कुछ और चीजें रहेंगी। दूसरा सवाल है, क्या वर्तमान कालिक आर्थिक चिंतन धनियों को अपना धन जरूरतमंदों के साथ बांटने के लिए तैयार या उत्साहित कर सका है? ये सोशल साइंटिस्ट के लिए सवाल है मेरा। क्या वर्तमान कालिक आर्थिक चिंतन गरीबों को न्याय दिलाने में समर्थ हो गया है? तो ये कुछ 3 सवाल हैं सोशल साइंटिस्ट से। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जिस संस्कृति की बात करता हूं, वहां पर अर्थ के बारे में, इकोनॉमी के बारे में अपनी तरह की समझ है।
लिए मैं उसका एक बहुत संक्षेप में आपके साथ बताना चाहता हूँ कि सीड्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशियोलॉजिकल आइडियाज मैंने कहाँ से लिए। हालांकि इसको आप समझ सकते हैं कि ये बड़ी पिछड़ी सी बातें हैं। मैंने पहला लेसन जो लिया वो इकोनॉमिक्स का लिया, द द द, इसके ऊपर मैं ठप्पा लगा देता हूँ टी एस एलियट का, क्योंकि वेस्ट से आ जाएगा तो वो जरा मान्य ज्यादा हो जाता है, लेकिन पुराणों की ये कहानी है, पुराणा नहीं उपनिषद की ये कहानी में से है। उसने, ब्रह्मा ने उपदेश दिया, जब उसके पास असुर राक्षस और देवता और मनुष्य गए तो उन्होंने पहला उपदेश दिया द द द, तीन बार कहा था, द का मतलब दमन, कि उन्होंने देवताओं को उपदेश दिया कि भाई तुम्हारे पास बहुत सारी भोग सुविधाएं हैं तो अपनी इंद्रियों का तुम दमन करो, इस तरह से अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो कंजम्पशन मत करो। राक्षसों को दया का उसने उपदेश दिया, वो इकोनॉमी का सेकंड लेसन था। उसमें क्या है कि भाई तुम सिर्फ अपने मत खाओ, अपना ही पेट मत भरो, डेवलप्ड कंट्रीज की तरह वहां अफ्रीका में जो भूखे लोग मर रहे हैं उनको भी दे दो। हमारे देश की आधी पॉपुलेशन जो भूखे पेट एक बार का खाना जिनको मुश्किल से मिलता है उनको अपना धन बांटो, और दमन उनको करने के लिए, सॉरी यहाँ आना चाहिए था, वो गलत मैंने लिख दिया, दमन दया और दान, सॉरी यहाँ दान आना चाहिए था, कि मनुष्य की आदत है, मनुष्य के लिए उपदेश था कि तुम्हें संग्रह करने की बड़ी आदत है इसलिए तुम दान करना सीखो, दान दो, अपने लॉकर्स में पैसा इकट्ठा करके मत रख लो, इकोनॉमी को इस तरह से हिट मत करो। तो ये मेरा पहला लेसन था। सेकंड जो मेरे पास सामने आप ये देख पा रहे हैं, तीन जिसे आप कहेंगे मॉडल हैं, इकोनॉमिक मॉडल या सोशियोलॉजिकल मॉडल कह लीजिए। पहला तो स्वर्गलोक से आता है। स्वर्गलोक में हर तरह की सुख सुविधा है, आप देखते हैं वहां कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, एवरीथिंग जो आप सोचो से वो हर तरह की चीज वहां उपलब्ध है, तो लेकिन फिर भी इनसिक्योरिटी वहां है। दूसरा जो मॉडल है वो विष्णु लवैरकों तरह की रिचनेस है, लेकिन वो रिचनेस दूसरों के लिए है, समाज के लिए है, वो आप स्वयं इस्तेमाल नहीं कर सकते। तीसरा मॉडल है जहां पर हर तरह की चीजें जो है, जहां पर सिक्योरिटी जो सर्वाइवल है, जहां पर फियर और हंगर नहीं है। आप देखिए कैलाश पे हम शिव को बिठाते हैं, पूरा परिवार है और हर विरोधी, गाय भी बैठी है, शेर भी बैठा है, मोर भी है, सांप भी है, चूहा भी है, तो टोटल इसके बीच में जो एक संबंध आप देखते हैं सोशियोलॉजिकल, वो यहाँ पर आप देखते हैं। नहीं दे पाती कि what to do with your freedom, मेरे पास मोबाइल आ गया, ये आ गया, then what to do with it? और दूसरा है compulsive choices और conscious choice में वो अंतर करना सिखाती है। आप एडवर्टाइजमेंट देख करके compulsive choices करते हैं, मैगी खाते हैं, लेकिन conscious choice आपको सिखाती है। दूसरा नेचुरल चेंज जो आ रही है उसमें डायरेक्टेड चेंज लाने के लिए आपको रिविजिट करना जरूरी है। और जो ये चौथी बात है वो है कि आप इंटेलेक्चुअलिज्म से उठ करके सेंसिबल क्रिटिक होने की कोशिश करते हैं, सेंसिबल इंटेलेक्चुअल बनने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब मैं और ज्यादा ना करते हुए कुछ पॉइंट्स आपको मैं गिना देता हूं कि मेन आउटलाइंस ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन क्या है। वो है, इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन आर अनबॉर्न, ओरिजिनल, यूनिवर्सल एंड एटर्नल। ICT has come out of realization of the most basic truth, ekam sad vipra bahudha vadanti, and underlying sarvabhut hite ratah, सभी का कल्याण करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम। हम इन चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, हम जाति व्यवस्था को प्रमोट करेंगे कि देखो देखो वो जाति है, लेकिन इस बात को तो हमने कभी नहीं कहा कि हाँ एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अच्छा एक चीज और देखिए, आप
ICNT amount to be non-religious in the sense that they are profitless, bookless and templeless. अगर आज वेद पुराण कुछ भी नहीं है तो भी हमारी कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है. ICT believes in autonomy of man through the agency of karma. और इस तरह से बहुत सारे ये मैंने सारे का सारा इसको समराइज करने की कोशिश की है. मैं छोड़ देता हूँ इन सारी चीजों को क्योंकि समय कम है. तो लेकिन एक आध चीज मैं आपको बता देता हूँ. ICT and accords more equal status to women and places them before their men, even in the general order of precedence. Yes, the system of ICT believes that every man on earth takes birth with his swadharma. अब आप इसको religion करके देख लीजिएगा, which includes swabhav, कर्म or to say जाति, आयु, कर्म, भोग. जाति यहाँ पे क्या है? मनुष्य जाति. आयु, कर्म और भोग. द वर्ड स्वधर्म इज ऑल इंक्लूसिव. ठीक है. और एक जो मजेदार चीज है, हम कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, सब धर्मों को मानना चाहिए. मान लीजिए आईसीटी हैज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनल सिन. इवन सेक्स और काम हैज बीन ग्रांटेड स्टेटस ऑफ लेजिटिमेट मीन्स ऑफ लिबरेशन. ठीक है. चलिए और ये एक 24वां अंतिम जो है उसको आप देख लीजिए. द सिस्टम ऑफ आईसीटी इज सच दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्शिप फ्रॉम ऑस्टेंटेशियस टू द ऑर्डिनरी आर बोथ परमिटेड एंड वैलिड, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेरिट इट इज द इंटेंसिटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस गेन्ड दैट गेट्स प्रेसिडेंस ओवर द रेस्ट. एंड देयर इज नो थिंग लाइक ब्लास्फेमी. ये आप ऊपर का देख सकते हैं. ये 23वां जो है, strangely ICT has no concept of or laws of blasphemy. ठीक है. तो कुल मिलाकर के ये इसको मैं समअप कर रहा हूं यहाँ कि सारे भारतीय संस्कृति को आप कैसे समअप करेंगे. पहला ये कि ये अपौरुषेय है, कि इसका जनक व्यक्ति नहीं, परंपरा है. दूसरा इसका अर्थ लोक विद्या है. तीसरा इसकी दृष्टिभंगी कामना प्रधान और सुखवादी होने के साथ अध्यात्मवादी है. चौथा ये रसवादी वर्ग निरपेक्ष सेकुलर उदार और सांप्रदायिकता निरपेक्ष है, लेकिन धार्मिकता मुक्त कहीं नहीं है. और पांचवी और अंतिम बात कहकर के मैं समाप्त कर रहा हूं. इसमें जिज्ञासा, सेंस ऑफ इंक्वायरी, रहस्य बोध, सौंदर्य बोध, एस्थेटिक एक्सपीरियंस और आदिम भय इसमें सहोदय रूप से निहित है. तो कुल मिलाकर के ये जो है ये आपकी इंडियन कल्चर है, इंडियन ट्रेडिशन है. कल्चर आपकी संस्कृति है, सांस्कृतिक मूल्य है और परंपरा उनको एक जनरेशन टू परंपरा और एक परंपरा में उसके उत्तर दिए जाते हैं. दोनों ही मान्य है. तो मुझे आप लोगों ने सुना, मुझे मौका दिया आप लोगों ने अपनी बात कहने का. हालांकि बातें बहुत सारी थी, मैं आपको बता सकता था, मैं चुनौती दे सकता था ह्यूमन राइट्स को, मैं आपकी चुनौती दे सकता था वुमेन स्टडीज को, मैं आपकी फूड कल्चर को चुनौती दे सकता था, आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी चुनौती दे सकता हूं. लेकिन वो अभी समय नहीं है, वो फिर कभी से ही जब हम इन इश्यूज को लेंगे और फिर हम बात करेंगे कि आपके ह्यूमन राइट्स जो इनको आप पढ़ाते हैं और मेरे जो ह्यूमन राइट्स मैंने डिजाइन और डेवलप किए हैं अपनी संस्कृति से, वो उनमें से कौन से बेहतर है. धन्यवाद. थैंक यू आशुतोष जी. देयर टू इम्पोर्टेंट टेक्स फ्रॉम योर, वन इज डीकोलोनाइजेशन एंड सेकेंड इज सोशल साइंसेस. सी, सोशल साइंसेस वॉज नेवर कॉलोनाइज्ड. इट्स द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड. It's the government financed and government administered learning and education system that was colonized. And second aspect is social sciences. It contains two things, society and sciences. Reason as humans perceive it. This is my worded statement. I respect you. This social sciences, that totally depends on the person who is instructing and the person who is learning.
So the instituted knowledge or learning, it is somewhere colonized. I could say that because that is state sponsored. So that has this important aspect. So still we don't take responsibility. Whatever I am teaching, sir, मैं आपको RTI के वो सारे उत्तर दे सकता हूँ जो NCERT से हमने मांगे suggestive history के, क्योंकि आप तो history के हैं। Sir, NCERT is not whole world. No, it is not whole world. I understand, sir. NCERT is state sponsored education learning. As far as Indian culture and tradition is concerned, it is very widened spectrum. It has diverse elements of language, of customs, of colors, of rituals. It's a very widened. So concising it into a certain thought process, I respect you, but that's part of it. So okay, we'll carry on with our discussion. right, sir. And I invite one of our distinguished guests, Dr. Jagdish Prasad. He is presently assistant director, history. And Culture Academy, Academy of History and Culture, Haryana, Kurukshetra. So, see, we are having a very new perspective or aspect which he is going to take with us. और ये जो महत्वपूर्ण बात वो करना चाह रहे हैं, ये हमारी संस्कृति में जो अभी आशुतोष जी ने बात की कि decolonization होनी चाहिए. So, he'll be taking up the issue of colonizing the mind of common man. अशोक के समय से ही एक स्टेट द्वारा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड एफर्ट था जब सोसाइटी को एथिकल नॉर्म से गवर्न किया जाए. सो एपिग्राफी उसका बहुत बड़ा सोर्स है बिकॉज लर्निंग इस तरह से इंस्टीट्यूटेड इस तरह से नहीं थी. सो डॉक्टर जगदीश प्रसाद इज अ वेरी रिनॉन्ड स्कॉलर एटलीस्ट फॉर एपिग्राफी ऑफ हरियाणा. I have seen him presenting at so many platforms, international and national, and he has published so much research on the epigraphy of Haryana with the reputed scholars of the world, Catherine Asher, Cynthia Talbert, and